ये जना बाहर की आमद आमद की वजह से ये देखें दरख्तों पर ये कैसे नहीं रहा, ये कैसे इनके जो है ना वो पत्ते निकल रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये जनाब रोज़ा खुलने के इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं। इमरान साहब अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, भट साहब जो ना घर से कॉल आ गई है, और जहीद साहब जनाब बस बेमामूल अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, और आमिर शफीक साहब आईटी एक्सपर्ट हैं, ये हर टाइम जनाब मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। ये हैं जनाब राणा अब साहब, वो अपना कोई काम कर रहे हैं। तो ये मैं हूँ, आज हमारी अफ्तारी जो है ना रेड ओनियन में है माल रोड पे, तो वहाँ पर हम अफ्तारी क्लास डिनर करेंगे। ये जी अब हम रेड ओनियन पे पहुंच गए, जाते जाते जनाब वन डॉलर शॉप पे आ रहे हैं। तो रेड ओनियन की ये इंट्रेंस है जनाब, तो ये जनाब इंट्रेंस है, और इधर हमें सीटिंग मिली है रेड ओनियन, और ये है माल रोड। अभी हम अफ्तारी के लिए बैठ गए हैं इधर। ये जी हमारी अफ्तारी आ गई है, अभी अफ्तारी में है गोलगप्पे, समोसे, पकौड़े, ये जनाब दही भले और सैलड, ये जनाब कढ़ाई वगैरह आ गई, और साथ चावल आ गए, पुलाव आ गया जनाब। अफ्तारी और डिनर कर लिया Hours later. और जनाब बाहर ठंडी हवा चल रही है, कल की नस्बत आज ज़्यादा ठंड है, और बादल का भी कोई प्रोग्राम है। तो नीचे जनाब ये देखें, इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं तकरीबन, तो नीचे देखें, ये देखें ये दरख्त हवा चल रही है, वो देखें डस्टबिन उड़ के आ गई, और ये नीचे देखें ये बिल्कुल वीरान। तो अभी जनाब हम अपने कमरे में आ चुके हैं, तो मिलते हैं जनाब सुबह। ये जनाब आज की सहरी आगाज़ हो चुका है, तो अभी हम सहरी करने लगे हैं। माशाल्लाह जी कमाल हो गया, हाँ जी। और इमरान साहब जनाब इधर पानी सर्व कर रहे हैं, देखें पानी की कितनी कितनी बड़ी गैल ने अल्लाह ने। ठीक है, तो जनाब आज आपको एक और सहरी में इकट्ठे हैं, वेलकम कहते हैं जनाब साहब दोस्तों को। के साथ खूबी ये है कि मस्जिद भी है, हाँ जी, और हमें जनाब बड़ा हम इंजॉय कर रहे हैं इस बात को कि रमजान में वो हमें अपार्टमेंट मिला है कि जिसके साथ मस्जिद है, हम वुजू करके वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, साथ ही नमाज पढ़ रहे हैं। आज की सहरी जो है ना फ्रूट्स वगैरह के साथ, और इमरान जो है ना तैयारी कर रहा है सहरी की। ये जनाब फ्रूट की मंडी लग चुकी है, और भट साहब स्वीट स्वीट काट रहे हैं, ये जी एक एक दाना पकड़े, ये काजू सुबह सुबह पेश कर रहे हैं। सौंगी, केले, केले, अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरी, और जनाब खरबूजे, अंगूर, ये जनाब अनार भी हैं, और माल्टे भी। मेहरबानी सर, थैंक यू। वापसी के लिए तैयारियाँ जा रही सारी हैं जनाब, जहीद साहब रेडी हो चुके हैं, अमर शफीक साहब भी, ये देखेंगे वो बाल मचा हुआ है, ये जो हेठ होते हुए ये चीज़ें, ये गिफ्ट्स वगैरह पैक कर लिए जनाब, मैं भी रेडी हो चुका हूँ। तो ये जनाब दिन के वक्त माल रोड का व्यू, ठीक है, ये देखें जनाब यहाँ पे तिल धरने के लिए जगह नहीं होती जब सीज़न होता है, आजकल रमज़ान है तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ये जमान सामान लेके आ रहे हैं वहाँ से होटल से जनाब, ये देखें बड़ा सब कुछ सामान इधर पड़ा हुआ है, ये जनाब से हिसाब सामान उठाए हुए, हाँ जी फरमाए से हिसाब, चलो थैंक यू। ये जनाब अभी सामान पैक हो रहा है इधर गाड़ी में, ये देखें सामान की पैकिंग जारी है, इमरान ने सलफ जो ना मार दिया है गाड़ी को, तो अब मरी को गुड बाय कहने का टाइम हुआ जाता है। पुराना मरी रोड है, हाँ पुराना मरी रोड है, वो यूज करने लगे हैं, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, हाईवे कहेंगे, हाँ जी, नहीं हाईवे तो वो है, ये पुराना मरी रोड ही है, पुराना मरी रोड, हाँ जीटी रोड, एग्जैक्ट लफ्ज़ इमरान ने बोला, पुराना जीटी रोड, तो वहाँ से जा रहे हैं जनाब,
और कहते हैं कि जहाँ जिस तरफ से आए उस तरफ से नहीं जाना चाहिए। बड़ी ईद वाला काम करना है। बड़ी छोटी ईद वाला ज्यादा स्वभाव होता है। तो इस वक्त जनाब हम निकल पे। हाँ जी, फ्यूल फ्यूल जाग। अभी जनाब हम वापसी के लिए निकल रहे हैं तो दोस्तों से रिव्यू लेते हैं कि कैसा रहा सफर। तो शुरू होते हैं जनाब आमर शेख साहब से। आमर साहब सुनाए। बहुत अच्छा रहा है, चार लफ्जों में। बहुत अच्छा रहा है, बहुत मजा आया। दो दिन हमने स्टे किया यहाँ पे मरी में। आप जो भी कर सकते हैं। हमने इफ्तारी की है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की इफ्तारी थी। तो ओवरऑल बहुत ही वंडरफुल टूर रहा हमारा। जी साहब आप बताए। बहुत मजा आया, स्पेशली जो है ना हम सब जो दोस्त हैं उनकी राय जो है ना वो एक जैसी होती है, लेकिन हकीकत में जो है वो सबके अगेंस्ट होती है। लेकिन हर बंदा वो एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट कर लेता है, सबसे बड़ी बात है कि वो एक दूसरे की बात मानते हैं। और हम जो अपने जो सीनियर हैं अमर भट्ट साहब, उनको जो है ना फॉलो ये सारा सीनियर करते हैं, वो हमें जमहूरियत का बड़े अच्छे तरीके से जो है ना विजिट करवाते हैं और चीज़ें बड़े कंट्रोल रेट पर परचेज करके देते हैं। सो वी एंजॉय टू मच हियर। जी आबद साहब। जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा टूर है। क्योंकि ये टूर था मेरे LLB के पास होने पर, तो मैंने सबको इनवाइट किया था और सबका शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला, ठीक है, और मेरी जेब से पैसा निकाला। और दूसरा ये है कि ये हमारा जो टूर है ना बड़ा ही ड्राई फ्रूटफुल रहा है। और अमर जाय साहब ने जो है ना इफ्तारी करवाई हम सब लोगों की, बहुत शुक्रिया। और बाकी जो दोस्त हैं मैं मेरी दुआ है कि उनको भी अल्लाह हिदायत दे। अमर जाय साहब ने मेरे पास होने की LLP की दावत दी। हाँ जी भट्ट साहब, आप जनाब बारी है। हाँ जी भट्ट साहब, जो है मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल ये टूर है। सबसे पहले तो ये है कि मेरे बेटे का जो है ना 125 स्कोर आया है, माशाल्लाह, तो बड़ी मुझे खुशी हुई है। मज़ा दुबाला हो गया है। हमने जनाब जो है ना बड़े ड्राई फ्रूट्स खरीदे हैं, शॉपिंग की है, और मैं गौर कर रहा हूँ कि इनको लेके बाहर जाया जाए, क्योंकि हमारी जो है ना आपस में हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंड भी करते हैं और ओबीडियंट भी हैं। ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हों तो हम फॉरन टूर कर सकते हैं कामयाबी से। तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। हाँ जी, आप बारी हैं इमरान साहब। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त ये टूर रहा है। और इस टूर में सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात है वह हमें अमर भट्ट साहब की जो बातें हैं, जो उन्होंने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया उन वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और हम सब अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने टाइम निकाल के कंपनी को ज्वाइन किया। तो ये जनाब अभी हम काफ़ी दूर निकल आए हैं मरी पुराने रोड पे। तो हाँ जी वाह, ये भी निकल आए। तो सबसे पहले जनाब मैं आप साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जनाब LLB क्लियर किया। तो इंशाल्लाह ये वकील बनकर भी जो है ना वो लोगों की खिदमत करेंगे। नहीं अभी ये MPhil इंटरनल रिलेशन में करेंगे अभी। हाँ जी हाँ जी, MPhil इंटरनल रिलेशन में भी करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो आगे फर्दर स्टडी करते रहेंगे। फर्दर स्टडी के लिए फिर अब्रॉड जाएंगे। हाँ जी फिर अब्रॉड भी जाएंगे। और दूसरा ये है कि ये जो टूर है ना ये सबसे ज़्यादा काविश जो है आफिर साहब की तरफ से तो है ये टूर, लेकिन सबसे ज़्यादा काविश जो है ना वो है जहीर बाद साहब की। उन्होंने सबको जनाब एक जगह यूनिटी के साथ इकट्ठा किया, एक डेट ऐसी फिक्स की कि जहाँ सब जो है ना हम मतलब के फिजिबल रहें, ईजी रहें। तो सब दोस्तों ने जनाब इंजॉय किया। जनाब नमाज पढ़ने के लिए इधर रुके हैं, यहाँ पर जाते हुए रुके। 20 minutes left. जो जनाब बारह को से इस्लामाबाद की तरफ इंटर होते हैं। ये देखें जनाब इस्लामाबाद में एंट्री हमारी हो गई है मरी की जानब से। तो ये इस्लामाबाद का व्यू देखें, ज़रा चेक करें ज़रा। ये देखें ये जनाब बाहर अच्छी आमद आमद की वजह से ये देखें दरख्तों पर ये कैसे नहीं रहा, ये कैसे इनके जो है ना वो पत्ते निकल रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो
का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।